या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 307। 16th of September 1982, वाइज इन नॉर्थ जमत कॉर्नर ऑफ एडमंटन। याली मदद, हमी के गले में हार है, हीरा माने कजड़िया, जिसको भावे गिनानों में ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो मैं हर रोज याद करनी चाहिए। ये तो गिनान इलम से भरे हुए हैं। पीरों ने हमको कहा है कि गिनान के अंदर नूर है। गिनान हमेशा गिनान बोलो। फरमाया कि गिनान नूर से भरे हुए हैं। गिनान बोलो रे नित कमा नूरे भरिया, ए वो हड़े तुम्हारे हरख नमा। इस तरह गिनान बोलो कि तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत समाई ना जाए। गिनान बोलने से मोहब्बत पैदा होती है, गिनन बोलने से ईमान ताजा होता है, गिनन बोलने से समझ आती है। दिनदारों गिनन बोलने से बदरूहें बदियां बुराइयां हमारी आफतें बलाएं दूर होती हैं। गिनन बोलने से दिल को धीरज मिलती है। मौलाना हसन अली शाह, मौलाना अली शाह, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सैयदुल्लाह अलैहिम, मैंने अलैहिम कहा तीनों के लिए, प्लूरल सेंस है, तीन पीढ़ियों की तीन इमामों की खिदमत करने वाला कमरिया हाजी नजर अली हमारी हिस्ट्री में एक बहुत महान आदमी हुआ। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह गादी नशीन हुए, 8-1 बरस की उम्र थी। कांवड़िया हाजी उस वक्त बड़ी उम्र के थे, लगभग 60 बरस की उम्र थी। थोड़े ही बरस हुए उनका 21 बरस का एक लड़का गुजर गया। जवान लड़का बुढ़ापे में गुजर जाए, खुदा ये चोट किसी को न देवे। उसकी औरत को इतना गम लगा, बाहर निकलना बंद कर दिया,
गम तो इसको भी लगा, लेकिन इमाम की हुजूर में आना जाना था, इसने उसको उठा लिया। अब देखो हमारे मौलाना हज़रत इमाम के हुजूर में आने जाने वाला हमारी कौम का एक सबसे बड़ा वडील काउंटी भूपेंद्र भाई, इसका एक जवान लड़का गुजर गया बदरुद्दीन। इस बुढ़ापे की उम्र के अंदर ये इतनी चोट होती है कि जिसका बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इमाम के हुजूर में आने जाने से हमारे काउंट इबू ने भी उस चीज को उठा लिया, इमाम की खिदमत में पड़ा है। लेकिन कामड़िया हाजी की जो घरवाली थी उसको अपने जवान बेटे की मौत से बहुत सदमा हुआ। मौला ने एक दिन पूछा, हाजी कामड़िया, जन कामड़िया को बहुत दुख लगा। जन कहते हैं बीवी को, औरत को, कि कामड़िया की औरत जैसे हम बोलते हैं ना अराई बानो, मिशनरी बानो, इस तरह से ये एक फारसी जबान का कहना है जन कामड़िया, कि कामड़िया तेरी घरवाली को बहुत दुख है, कहता कुदावन बहुत दुख है, खाना पीना छोड़ दिया है। मौला कहे मैं शाम को घर आऊंगा। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के घर गए, कमड़िया नहीं आई, मौला के पांव में पड़ी, बहुत रोई। माँ बाप ने दुआ फरमाई, सिर पे हाथ रखा और फरमाया कि देखो जन कमड़िया, गम दूर करने के लिए तुम अनंत अखाड़ा पढ़ो, हर रोज पढ़ो, इंशाल्लाह तुम्हारा गम दूर हो जाएगा। कोई मुसीबत आ जाए तो अनंत अखाड़ा पढ़ो, मुसीबत दफा होगी। बोली आमीन खुदा में पढ़ू। 500 पाठ हैं अनंत अखाड़े के, इन पाठों के अंदर विनतियां ऐसी हैं, ऐसी विनतियां हैं कि खुदा ताला के अर्श को हिला देने। जन कांगड़िया ने अनंत अखाड़ा शुरू किया। उस जमाने से हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे जो पुरानी जमातें, पुराने लोग हैं, कोई खुदा न करे कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो वो लोग अनंत अखाड़े का 40वां डालते हैं, जमात खाने में भी कभी डालते हैं। 3-4 बरस पहले एक बहुत बड़ी आफत आई, आने वाली थी, तो दारुसलाम के अंदर हमने अनंत अखाड़े का 40वां डाला था, 40 दिन तक पढ़ा। हर रोज कभी 15 पाठ पढ़ो, कभी 12-13 पढ़ो, 500 पाठ हैं, 40 दिन में आसानी के साथ पूरे हो सकते हैं। जन कामड़िया ने हर रोज थोड़े थोड़े पाठ पढ़ने शुरू किए, उसके दिल को ढारस मिल गई। अभी कामड़िया ने बहुत बूढ़ी हो गई, कामड़िया हाजी का और कोई लड़का ना था। एक दिन सरकार कहते हैं, हाजी कामड़िया मुंह खोलो। मुंह खोला, 66 बरस की उम्र। मौला फरमाया तेरे दांत सब अच्छे हैं, खिदर खुदावन तेरी मेहरबानी है, तुम दूसरी शादी करो, इंशाल्लाह तुम्हें लड़का होगा। दाढ़ी रखते थे बड़ी, आंसू टपकने लगे, दाढ़ी भीग गई। कहते खुदावन अब इस उम्र में क्या है। फरमाया नहीं, तुम शादी करो, हम जन का मड़िया को बोलेगा। मौला के कहने से इसने दूसरी शादी की और लड़का हुआ। मैंने ये बात आपको इसलिए कही कि अनंत अखाड़ा जो है, या हमारे और भी बहुत से गिनान हैं, अनंत अखाड़े में एक खसूसियत है। जिस टाइम में से हम लोग गुजर रहे हैं, इसको कहते हैं फड़तार वेला। गुरु पीर हसन कबीर जी को 500 बरस हुए, ये 500 बरस और अभी और जो आने वाला टाइम है, ये सब फड़तार वेला है। गिनानों के अंदर आज फड़तार वेला, माहे पंथ कठन छे, ऐसे बहुत से पाठ हैं।
इस फड़तार वेला का जो धनी है पीर के हिसाब से वो गुरु पीरसन का गिरदीन है। तीन चार दिन पहले कालगरी के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि बीज शुक्रवारी हम क्यों पालते हैं। तो बीज शुक्रवारी पालने का मैंने उन लोगों को जो बात बताई वो यही बात है जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये पड़तार वेला है और इस पड़तार वेला के अंदर 500 बरस से लेके कयामत तलक जितने भी मौलाना हजरत इमाम के मुरीद मोमन होंगे ये अनंत करोड़ होंगे। अनंत करोड़ मीन्स काउंटलेस, जिनका हिसाब ना हो सके। और ये सब के सब गुरु पीर हसन कबीर दीन के नाम पर उनके मुरीद हैं। जैसे कि 30 अगर दिन को हम 12 करोड़ी कहते हैं, यानी 12 करोड़ मुरीदों को, जीवों को 30 अगर दिन ने तारा। अभी बहुत से ऐसे लोग जो अभी हमारे गिनान पढ़ते हैं और पुराने आदमियों की किताबें या पुराने आदमियों के साथ वो मिले नहीं, तो हमारी जो ट्रेडिशन है उसके बीच में एक गैप आ गई है। पुराने जो मिशनरीज थे वो जमातों के अंदर गिनान इलम की वाजें करते थे, गिनान समझाते थे। अभी कुछ थोड़ा टाइम हुआ, लगभग 20-25 बरस हाजर इमाम गादी निशीन हुए और उसके बाद ऐसा पलटा खाया गिनानों के लिए कि जिसके हाथ में गिनान आया उसने उसको तोड़ मरोड़ दिया, जिसको जैसा लगा ऐसा बोलना शुरू किया। ना राग का ठिकाना, ना शब्दों का ठिकाना, ना वक्त का ठिकाना, कौन सा गिनान कब बोलना है कुछ पता नहीं है। गठपाट निकल रहा है, शुक्रवार का दिन है और किसी को गिनान बोलने के लिए और तो कहते हैं मरना है रे जरूर जुगमा चेती में चलो। अरे शुक्रवार का दिन है, गठपाट निकलता है, फरिश्ते और रूहानी जमात खाने में आई हैं और तुम ये गिनान बोल रहे हो। ये गिनान बोलना कोई गुनाह नहीं, मगर हमारे पीरों ने मौका मौका के गिनान बनाए हुए हैं। मैं आपको कह दूं कि कई लोग ऐसे हैं कि जो मैयत के गिनानों को उन्होंने लेबल लगा दिया कि ये मैयत के गिनान है। ऐसा मैयत का कोई गिनान नहीं। हमको मौत भुलाई ना जाए, मौत याद रह ले, क्योंकि मौत को याद करने से दिल नर्म होता है, गुनाह से इंसान बचता है। उसको यह ख्याल रहता कि मुझे दुनिया छोड़ के मौला के पास जाना, हिसाब देना है। इसके लिए मौत के बहुत से गिनान है, लेकिन मैयत के टाइम के ऊपर बोलने का कोई गिनान रिजर्व नहीं। इसी तरह से जब मुखी कमड़िया बदलते हैं तो उस वक्त अमरते आयो मोरे शाह जी जो गिनान बोलते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन कोई दूसरे दिन कभी कोई बोलने जावे तो कई लोग टोकते हैं, अरे ये गिनान कोई मुखी कमड़िया के बनाने के लिए नहीं बनाया गया, गिनान बोलो। लेकिन पीरों ने खसूसन करके बाज चीजें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि घटपाट के बैठे गिनान, जीरे वाला पाठ मंडावी ने चौक पुरागो, जीरे वाला सतगुरु साथे गोठड़ी की, जैसे बैठे गिनान बहुत हैं। इसी तरह से जब जमात खड़े होकर न्याज पीती है तो घटपाट के उभे गिनान हैं, उभे गिनान में से बोलो। सुबह के चौगड़िए हैं, शाम के चौगड़िए हैं, चौगड़िया कहते हैं खुदा की सिफत में, उसके वखान में वखान किया जाए। इसी तरह से सुबह की वेंतियां हैं, शाम की वेंतियां भी हैं, वेंती यानी एक आजजी करने की बात है। तो गिनान जो हैं, हमने उन गिनानों के मुतालिक सीरियसली उस्तादों से सीखा ही नहीं, तो हमको गिनान कैसे आ जाएंगे। मोस्टली भाई बहन जो है वो गिनान बोलते हैं तो यूं ही पिकअप कर लेते हैं, या कोई गाने बजाने वाला होता है तो उसके पास से वो राग सीख लेते हैं। तो गाने बजाने वाले को क्या पता गिनानों के राग में, और गाने बजाने के राग में बहुत फर्क है। कई लोग जमात खाने में गिनान बोलते हैं तो उनका सारा जोर ट्यून के ऊपर होता है, लय के ऊपर होता है, शब्द भुलाए जाते हैं। हालांकि हमारा सारा जोर शब्दों के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि पीरों ने हमको गिनान जो फरमाए हैं तो वो समझने के लिए। राग से हम इसलिए बोलते हैं कि उसके अंदर हमको मजा आ रहे, लेकिन हमारा ज्यादा जो इफेक्ट होना चाहिए तो वो शब्दों के ऊपर होना चाहिए। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के हुजूर में बंबई के अंदर रिक्रिएशन क्लब में मिशनरियों की मेहमानी थी, तो एक मिशनरी ने अर्ज की खुदावन खुद हमारे मिशनरियों और भक्तों के अंदर
जिनानों के रागों के मुतालिक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। गुदान हम क्या करें, मौला ने उसी वक्त फरमान किया, फॉलो जूनागढ़। जिनान के राग की बाबत में मौला फरमाया फॉलो जूनागढ़, कि जूनागढ़ के जो राग हैं वो असल राग हैं। दर्शन तो नहीं बोलते मगर वो दूसरा राग बोलते हैं, दीदार दियो ने मोरानाथ। अब ये जो गिनान का राग है वो असली राग नहीं, ऐसे बहुत से हमने राग बदल डाले हुए हैं। दर्शन दियो मोरानाथ दासी है, कि जिसमें प्रेम भावना आती है वो दूसरा राग तो ऐसा लड़ता है कि लड़ाई हो रही है। ऐसे बहुत से गिनान हैं जिनके हमने राग वगैरह चेंज कर दिए। दिनदारों, गिनानों के अंदर नूर है, इन गिनानों को पढ़ो दिल को राहत मिलती है। छोटा था मुझे याद है कि घर में बुढ़िया वो चरखा होता है ना, स्पिनिंग व्हील, मैं 50-55 बरस की बात करता हूँ, 60 बरस की बात करता हूँ, मैं आज 64 बरस का हूँ। उस वक्त बुढ़िया घर में बैठी हैं, वो चरखा काट रही हैं, कॉटन लेके कॉटन की पूनी बनाती हैं, बाजू में पड़े हैं और रेतिया चला के उसके डोरा यान बनाती हैं। रेतिया फिर आ रही है, चरखा काट रही है, गिनान बोल रही है। घरों के अंदर वो जमाने के अंदर घंटी रखते थे कि जिसके अंदर दाल वगैरह या गेहूं पीसते थे, बाजरी पीसते थे, तो घर की औरतें जो हैं वो घंटी चला रही हैं, गिनान बोल रही हैं, आटा गूंद रही हैं, वेंतियां हो रही हैं, सारे घर का एटमॉस्फियर उस रूहानियत से भर जाता था। आज सुबह उठो तो पहले रिकॉर्ड लगाओ, कोई डांस हो रहा है, कोई म्यूजिक हो रहा है, पॉप डांस चल रहा है। छोटे बच्चों को भी हमने यही सिखाया हुआ है, हमारे घरों का पैटर्न बदल गया। हम लोग इस्माइली हैं दीनदारों, हज़रत इमाम फरमाया कि तुम अपनी प्रणाली का नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं है कि एक दफा फरमान करके चुप हो गया, कितने दफा फरमान किया, हमको रिमाइंड कराता रहता है अपनी प्रणाली का नहीं छोड़ना। 3 बरस पहले मौला जब इंग्लैंड के अंदर आए तो 7 दिन हर रोज लंदन के अंदर सुबह भी आता था, शाम को भी आता था। 2 दिन ऐसे थे कि मौला 2 दफा नहीं आए, एक ही दफा आए, मगर बाकी 5 दिन सुबह भी आवे शाम को भी आवे, और हर रोज ये फरमान करे कि तुम अपने बाप दादा का रास्ता नहीं छोड़ना, तुम अपनी ईस्टर्न ट्रेडिशन नहीं छोड़ना, तुम अपने वडीलों के जो पगले हैं उसमें से उठ नहीं जाना, दूर नहीं हो जाना। तुम न्यूयॉर्क में रहो के लंदन में रहो, मौला फरमाया अपनी तुम्हारी जो प्रणाली का है, तुम्हारी ट्रेडिशंस जो है, ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, ईस्टर्न ट्रेडिशंस हैं, तुम्हारी एंसेस्ट्रल ट्रेडिशंस हैं, सब फरमाया उसको नहीं छोड़ना, ये हमारी ट्रेडिशन है। सुबह उठ के हम अपने बच्चों को सबसे पहले कहते हैं ब्रश करो, दुआ पढ़ो, नियाज पियो। बच्चों को सिखाओ सुबह उठे तो पहले कहे याली मदर, यहाँ कहते हैं हाय, एक दूसरे को मिलते हैं हाय। बहुत से कैनेडियंस हाय नहीं कहते, गुड मॉर्निंग कहते हैं, ये अमेरिकन का स्लैंग है। हाउ आर यू उसको इन लोगों ने, अमेरिकन्स ने, थर्ड क्लास अमेरिकन्स ने, जो टॉप क्लास के पढ़े लिखे जो है उनके अंदर ये चीज कम है। अपने बच्चों को याली सिखाओ, याली मदद करना सिखाओ। तो मैं आपको अर्ज यह कर रहा था कि गुरबीर हसन कबीर दीन माँ बाप का ये जो अनंत अखाड़ा है, उस अनंत अखाड़े के अंदर जो विनती और जो आजजी की गई है वो खुदा ताला के अर्श को भी हिला दे रहे। यदि गुरबीर हसन कबीर दीन को मौलाना इस्लाम शाह ने पीरी जोमा के लिए फरमान किया कि मैं तुमको पीरी जोत देता हूँ, तो गुरबीर हसन कबीर दीन दुबले पतले थे, लंबे थे, नहायत ही खूबसूरत थे, मोस्टली सफेद कपड़े पहनते थे। गुरबीर हसन कबीर दीन ऐसे थे कि अंधेरे रूम में बैठे होते थे तो आपके बदन की सफेदी उस अंधेरे रूम में भी दिखती थी। जब मौला ने पीरी जमा दिया तो पांव पे गिर पड़े,
पगड़ी बांधी हुई थी, पीरसन कबीर जी ने पगड़ी उतर गई। कहते मौला ये वजन मेरे से नहीं उठेगा, बाप को 12 करोड़ी तारने में कितनी मेहनत पड़ी, 12 करोड़ जीवों को फिर सदर दिन ने तारा। तो कई लोग जो गिनान जब भी पढ़ते हैं तो उनको ऐसा ख्याल होता है कि भला फिर सदर दिन की उम्र कितनी, 119 बरस की। फिर सदर दिन 100 बरस के थे तभी तो उनको पीरी जोमा मिला, तो फिर सदर दिन की जो पीरी जोमा था वो तो 19 बरस 19 ईयर्स थी। तो 19 बरस में गुरपीर सदर दिन ने 12 करोड़ जीव तारे। 12 करोड़ का मतलब 120 मिलियन। वो जमाने के अंदर जब पीर सदर दिन जीवते थे दुनिया भाने 600 बरस पहले, तो आखे हिंदुस्तान की बस्ती भी 120 मिलियन नहीं थी। तो ये 12 करोड़ जीव, असल बात जब हम जिनान की स्टडी करते हैं तो उसमें से हमें जवाब मिलते हैं। मौलाना अली शाह महबाब के जमाने के अंदर जूनागढ़ में वजीर इस्माइल गांग जी गुजर गए तो अली शाह महबाब ने उसको पीर का दर्जा दिया। मरने के बाद जैसे मिशनरी सब्जली को इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने पीर का दर्जा दिया, उसकी वफात के बाद अली शाह महबाब फरमाया वजीर इस्माइल 10,000 जीवों को तार गया। इसी तरह से वजीर रेमु हेमानी जो गुवादर वाले थे उसके लिए भी इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया 10,000 जीवों को तार गया, उसको पीरी जमा नहीं या पीरी दर्जा दिया नहीं, मगर यूं ही फरमाया 10,000 जीवों को तार गया। फिर सब्जली के लिए इतना फरमान किया कि उसने अपनी जिंदगी में हजारों आदमियों को सच्चाई का रास्ता दिखाया। गुरपीर सदर दीन पीर बने। एक बात मैं आपको खुलासा कर दूं कि जैसे इमाम का नूर एक ही है सिर्फ बॉडी बदलती है, इसी तरह से पीर का नूर भी एक ही है बॉडी बदलती है। और वो पीर का नूर है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, और इमाम का नूर है वो अली का नूर है, एक ही नूर है। बॉडी बदलती है नूर वही होता है। कलयुग बैठा, द्वापर युग खत्म हो गया। उस वक्त से लेके पीर सदर दीन तक 6,500 बरस हुए। 6,500 बरसों के अंदर करोड़ों आदमी दुनिया के अंदर पैदा हुए। इस 6,500 बरस में जो करोड़ों आदमी दुनिया में हुए, करोड़ों जीव हुए, उनमें से 36 करोड़ जीव थे कि जो धर्म के ऊपर थे। मगर 36 करोड़ का मतलब 360 मिलियन, सॉरी हाँ 360 मिलियन यानी 36 करोड़। तो 36 करोड़ में से 1/3 आदमी थे, 1/3 जीव थे ड्यूरिंग 6,500 ईयर्स के, जिन्होंने अपने पीर का हर एक हुक्म माना और उनके लिए गुरपीर सदर दीन की दुआ बंदगी से मौला ने उन्हें नजात दी। ये 120 मिलियन थे, 12 करोड़। बाकी के जो 240 मिलियन थे, 24 करोड़, पीर ने कहा है कि उन्होंने दसवंत बराबर नहीं दी, इसके लिए उनको नजात न मिली। तो ये 6,500 बरस के अंदर 36 करोड़ में से 12 करोड़ करे, फिर हसन कबीर दीन को 500 बरस हुए और कयामत तलक 425,000 ईयर्स बाकी हैं। 4,25,000 बरस कयामत को बाकी हैं। तो ये सारे पीरियड में 4,25,000 बरस में अनंत करोड़ जीव होंगे, हिसाब बिगड़ के जीव होंगे। उसमें से पीर फरमाया है कि अनंत ना मेड़ा माथी 48 करोड़ सती जीव ने तार से मैं 45 ना लेखा नहीं पूछाना ए भी तैयार तमें। अनंत के
करोड़ में से 48 करोड़ को मौला नजात देगा गुरु कृष्ण कबीर सिंह की सिफारिश से। उसमें फरमाया कि 45 करोड़ का लेखा नहीं होगा, वो 45 करोड़ को गुरु कृष्ण कबीर सिंह अपनी बंदगी देंगे या दे दी है। जब इमाम इस्लाम शाह महबाब ने कृष्ण कबीर दीन को पीरी चौमा दिया तो फिर गिर पड़े और कहा कि या मौला ये भार में कैसे उठाऊंगा, क्योंकि जो कलयुग आ रहा है, जो वक्त आ रहा है या मौला, वो वक्त तो इतना खराब है कि मोमन कोई कोई होएगा। फिर कृष्ण कबीर दीन ने एक एग्जांपल दी कि छाछ बनती है, दही है, योगर्ट, उसमें औरतें पानी डालती हैं और फिर उसको बिलोती हैं, उसके अंदर से मक्खन निकलता है। जब ये मक्खन उसमें से निकल जाता है तो अब जो छाछ बाकी रहती है उसमें कोई ताकत तो होती नहीं। कभी ये छाछ इसी तरह से 3-4 घंटे समर के टाइम में पड़ी रहे तो उसका रंग जो है येलोश हो जाता है, पीली पड़ जाती है, बास आती है और पीने जाओ तो खट्टी हो जाती है। कभी एक आध घंटा और निकल गया तो उसको ना इंसान पीता है ना गाय बकरी पीती है, उसको फेंक देते हैं। आशा जी कल युग महे ये कलयुग का जमाना है, उसमें गुनाह बहुत होंगे, दिन ब दिन गुनाह बढ़ते जाएंगे, सत और नेकी घटती जाएगी, लोग स्वार्थी हो जाएंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, ग्रीडी हो जाएंगे, धोखेबाज हो जाएंगे, जगह फटका करेंगे, बड़े छोटे का लिहाज नहीं करेंगे, माता पिता को दुख देंगे, औरत के ऊपर जुल्म करेंगे, और औरत भी सती नहीं रहेगी, वो भी मर्द को छोड़ के दूसरों के साथ चलती होगी, और मर्द भी अच्छे नहीं रहेंगे, वो भी दूसरों औरतों के साथ जना करेंगे और खराबियां करेंगे, शराबे पियेंगे, जुगाड़ खेलेंगे, तमाम दुनिया की बदियां बुराइयां जो गिनानों में लिखी हैं दिनदारों, वो आज हमारी नजर के सामने हो रही है। मैं आज बहुत बरसों से, लगभग 5 बरसों से मैं रिपीट कर करके जमात को कह रहा हूँ सब जगह कि दीनदारों, गुनाह दिन ब दिन ज्यादा होंगे, दुनिया और भी तकलीफ में पड़ती जाएगी। हमारे गिनानों में हमें पीरों ने सब कुछ फरमान कर दिया है, सब कुछ कहा है, ऐसे ऐसे सब गिनान भरे हुए हैं कि क्या होएगा। उस वक्त के जो मोमन जब गिनान सुनते थे तो कांपते थे, पीरों को पूछते थे या फिर सलामत ऐसा जमाना आएगा, फरमाया हाँ ऐसा जमाना आएगा कि कोई कोई मोमन होएगा, मोमन का दिल ठिकाने नहीं रहेगा, तस्बीहां निकालेगा लेकिन मन बाहर होएगा, न्याज पिएगा लेकिन मन मैला होगा, काला होगा, हसदखोर होगा, जमात खाने के अंदर आएंगे लेकिन पीरों ने कहा है दिखने में भले वो इंसान हैं लेकिन वो पेट के लिए जुल्म करते हैं, दगा फरेब करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरियां करते कराते हैं, ये जुल्म का पैसा जो हलाल की कमाई नहीं, वो खाने से अंतकरण भी मैला और काला हो जाता है। फिर कहते हैं भले ऐसा आदमी दिखने में इंसान होएगा लेकिन होएगा जानवर जैसा, तेजी मन का जन्म जो होते होते ढोर प्रमाणे किसी अनंत अखाड़े में है। तो ऐसा कभी हाल दुनिया का हो जाएगा, इसके अंदर से बचने का रास्ता क्या? या मौला ये जो कलयुग के मोमन है वो छाछ की तरह से है कि मक्खन निकल गया। तो फिर माँ बाप को मौला ने कहा कि तू अपनी बंदगी जमात को दे। कहा अच्छा या मौला, मेरी जितनी भी बंदगी तेरे हुजूर में जमी है मैं जमात को देता। मौला ने कबूल किया। पीर ने खुद ने कहा है कि मैंने 4 युग की बंदगी जमात को दी,
चार युग की मेरी बंदगी आश्रे 40 लाख बरस हुए। 40 लाख बरस की गुरु पीर हसन कबीर दीन ने अपनी बंदगी जमात को दे दी। बहुत बरस, लगभग 60 बरस पहले एक जगह जमात में मेहमानी में मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवतुल्लाह अलैह बैठे थे, कारालुड़ा मिशनरी बैठे थे। कारालुड़ा बहुत बंदगी वाले थे, रात को 12 बजे बंदगी पे बैठे, सुबह 5 बजे तक। बड़े परहेजगार थे। मौला कहा, कारालुड़ा तेरी बंदगी बहुत इकट्ठी हो गई। कहते खुदावंद, वो तो तू जानता है, और कभी हुई है तो तेरी रहमत पे हुई है, मैं तो गुनहगार हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारी बंदगी बहुत इकट्ठी हुई। कहते खुदावंद, तेरी मेहरबानी तेरी रहमत के तू कबूल करता है, मेरा तो कुछ नहीं। तीसरी दफा फिर साहब ने कहा, फिर भी उसने ऐसा ही आजिदी पूर्वक जवाब दिया, मामा फरमाया तेरी बंदगी जमात को दे दे। अच्छा खुदा, मैंने जमात को अपनी बंदगी दे दी और तू कबूल कर। मामा फरमाया हम कबूल करते हैं। फिर साहब उसको जोक में कहते हैं, तूने बंदगी तो दे दी, अभी तेरे पास कुछ नहीं। तो कहते खुदा, दुनिया में कोई आदमी नेक काम करे तो उसका बदला तो मिलता है ना। सब बोले हाँ मिलता है। तो मैंने अपनी बंदगी जमात को दे दी तो मुझे जमात की दुआ नहीं मिलेगी। माँ बाप फरमाया, तुम्हें मालूम है तुमने जो बंदगी जमात को दी और जमात ने जो तेरे लिए सवाब की दुआ मांगी, तो तेरी बंदगी से ये सवाब जास्ती हो जाएगा। तो हमारे अंदर ये एक प्रथा है कि कोई आदमी अमल सुफ रखता है तो कहते हैं मुखी कांबड़िया को कि इसका सवाब मैं हाजिर जो जमात को देता हूँ। कोई कहते हैं जुमले जमात को देता हूँ। जुमले जमात का मतलब सारी दुनिया की जमात। गत जमात का मतलब जो इधर बैठे हुए हैं वो। कोई कहता है कि रूहानियों को देता हूँ, तो रूहानियों से मतलब वो रूहानियाँ के जो इमाम की मुरीद थी दुनिया के अंदर, जो मोमन थी उन रूहानियों के लिए। तो गुरु पीर हसन कबीर दीन को जब मौला ने फरमाया कि तू अपनी बंदगी दे दे, तो गुरु पीर हसन कबीर दीन ने जमात को बंदगी दे दी। उसके थकी के गुरु पीर हसन कबीर दीन की बंदगी जो जमात को मिली, उसकी वजह से इमाम हमारे नजदीक है। ये जम्पू द्वीप के इस्माइलियों को इमाम की तरफ से जब फरमान हुआ तो पीर हसन कबीर दीन ने अपनी बंदगी उनको दी। अब हमारा फर्ज ये रहा कि हम थैंक्स तो माने, और वो थैंक्स के अंदर शुक्रवारी बीज को हम रोजा रखते हैं। पीर हसन कबीर दीन ने अपनी बंदगी हमको दी तो हम गुरु पीर हसन कबीर दीन का थैंक्स अदा करने के लिए शुक्रगुजारी के अंदर हम रोजा रखते हैं। बरस में 2 रोजे होते हैं, 12 बरस के ऊपर हर एक औरत मर्द के ऊपर ये रोजा फर्ज है, और ये रोजे की बख्शामनी नहीं होती सिवा के जो हामिला औरत है या दूध पिलाने वाली औरत है, फीड करती है, या कोई बीमार है या हद से ज्यादा बूढ़े हैं, उनके लिए शायद ये रोजा मुआफ किया जाए, उनके ऊपर गुनाह नहीं, मगर रोजे का सवाब तो नहीं मिलेगा। ये रोजा हमें रखना चाहिए। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि गुरु पीर हसन कबीर दीन माँ बाप ने और हमारे दूसरे भी जितने भी गिनान हैं, इनके अंदर नसीहतें हैं, इल्म है, और जो इल्म है वो नूर है कि जिसकी रोशनी में, नूर का मतलब लाइट, अंधेरे के अंदर जब लाइट होती है तो हमें रास्ता दिखता है। जब भी हमारे दिल के अंदर इल्म आता है और खास तौर पे रूहानी इल्म आता है तो हमारे दिमाग में उसकी लाइट होती है, वो लाइट से हम व्यू कर सकते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। उसकी अंदरूनी उस नूरानी लाइट से जो हमारे घट के अंदर जागती है, हम बदियों बुराइयों गुनाहों का फर्क मालूम कर सकते हैं और हम बच सकते हैं। हमें पता लगता है कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमको रास्ता मिलता है, नेकी मिलती है, और नुकसान से गुनाह से बचते हैं। ये वो नूरानी चीजें हैं जो इमाम की तरफ से बख्शीशें आती हैं। जैसे जैसे एक इंसान इबादत बंदगी करता है, गिनान पढ़ता है, सोचता है, उसके दिल के अंदर रोशनी बढ़ती जाती है। जितनी भी रोशनी नूरानी रोशनी की तो बात छोड़ दो, देनदारों, ये जो दुनिया की जाहिरी रोशनी जो इलेक्ट्रिसिटी है,
इसकी भी कोई लिमिट नहीं। आप एक 5 कैंडल का बल्ब लगाओ तो रोशनी थोड़ी होती है, 0 वॉट के बल्ब भी होते हैं कि जो अक्षी रात जलते रहते हैं। एक माचिस से लगाओ ऐसी उनकी लाइट होती है। कभी आप 200 वॉट का बल्ब लगा दो तो कितनी लाइट हो जाएगी। कुछ वर्ष पहले मैं टोक्यो में गया, कोबे गया, वहाँ एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन थी, देखने के लिए गए तो मैं देख के हैरान हुआ कि इतना बड़ा एक बल्ब था। मेरा ख्याल है उसका सर्कमफेरेंस कम से कम 7-8 फीट था, शायद इससे भी ज्यादा, बहुत बड़ा बल्ब। तो मैं हैरान हो गया, इतना बड़ा बल्ब। हम लोग बहुत से थे अंदर से, एक गाइड आया तो उसने कहा कि ये 50,000 वॉट का बल्ब है। स्पेशल हमको उन्होंने ग्लासेस दिए आंखों पे पहनने के लिए और उसने वो जलाया। 50,000 वॉट का बल्ब चल रहा था, सूरज की रोशनी की तरह। दुनिया की ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी भी कोई लिमिट नहीं। इससे ज्यादा हमारे दिल के अंदर जो ईमान का नूर पैदा होता है उसकी तो लिमिट है ही नहीं। जैसे जैसे इबादत करोगे, जैसे जैसे नेकियां करोगे, जैसे जैसे इल्म पढ़ोगे, जैसे जैसे सोचोगे, मौला के इल्म के ऊपर विचार करोगे, तैसे तैसे अंदर नई नई रोशनी, नवी नवी समझ, नई नई बख्शीशें मिलती रहेंगी। ये जो बख्शीशें हैं ये कीमती हैं, वैल्यूएबल है, प्राइसलेस हैं, उनकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। इनको हमारे ज्ञानों के अंदर मोतियों के साथ एग्जाम्पल में लिया है, मोती रतन दिया है, हीरे जवाहरात के तौर पे लिया है। देखी गत्रे सरोवर मा मोती अमूल दाजी जतन करीने मोती राख जो तो मूल अद के जमात में आओ। ये सरोवर है, सरोवर कहते हैं मीठे पानी की लेक को, सरोवर मीठे पानी की लेक को कहते हैं, समुद्र को सागर कहते हैं। जो नमक वाला समुद्र है उसको सागर कहते हैं। गत सरोवर में तुम आओ और इधर डुबकियां लगाओ, स्विम करो तो तुमको कीमती मोती मिलेंगे। एक बेहिसाब कीमती मोती हैं और बहुत ध्यान पूर्वक यानी संभाल पूर्वक फरमाते हैं इन मोतियों को संभाल के रखो। मैंने जो पाठ बोला कि स्वामी के गले में हार है, इसके गले में हार है, हार यानी मोतियों की माला। हीरा मानिक जड़िया, उसमें हीरे हैं, मानिक हैं, बेहिसाब कीमती है। जिसको भावे ताको देता, मौला का जिसके ऊपर प्यार आ जावे उसको ये मोतियों की माला निकाल के देता है। साहिब है दिल दरिया, साहब तो दिल दरिया है। दिल दरिया का मतलब बड़ा जेनरस है, वो बहुत सखी है, छोटी चीज मांगोगे बड़ी दे देगा, खुश हो जाएगा तो तुम्हें निहाल कर देगा। तो ये हार कौन सा कि जो हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है, वो हार हमारी नेकियां, हमारे सवाब, हमारी इबादत, हमारे ऊपर उसकी रहम करम। छोटी सी बात में बड़ा सवाब दे देवे, मांगो कुछ भी दे देवे कुछ। एक दफा मैंने हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक वाकया बयान किया। मौला अली सफर पे जाते थे, 40 ऊंट थे, उनके ऊपर सामान पड़ा था। कंबर गुलाम को फरमाया कि एक महीने की मुसाफरी है, महीने का खाना ले लो, क्योंकि वो जमाने के अंदर डेजर्ट का मुसाफरी, रास्ते के अंदर तो कोई गांव आते भी नहीं थे और ना वो जमाने के अंदर कोई ऐसे रेस्टोरेंट या होटल्स थे। एक महीने का सामान लिया, आका गुलाम दोनों निकले। थोड़ी मुसाफरी के बाद एक गांव आया। मौला ने फरमाया, आए कंबर,
तुम ऊँटों को इधर संभाल के रखो, खड़े रखो। मैं एक आदमी को गांव में मिल के आऊँ, देखो ऊँटों को बिछाना नहीं, क्योंकि जब ऊँट बैठ जाता है तो पहले तो उसको बैठने में बहुत टाइम लगता है और उठने में तो उससे 3 गुना ज्यादा टाइम लगता है, ऊँट जल्दी नहीं उठता। और 40 ऊँटों को जो खड़ा करना हो, बैठे हुए ऊँटों को, तो सारा दिन निकलता है, सुबह से शाम होती है। और ऊँट को इशारा करो तो नहीं उठता, उसको ठोके देने चाहिए, लकड़ी मारनी चाहिए उसके बगल के अंदर। क्या भला मौला वो ऊँटों की मुहार लेके खड़ा रहा। मौला मुश्किल कुशा गांव के अंदर गए, जिस आदमी को मिलना था उस मिले, बातें चीतें की। मौला जब वापस आ रहे थे तो वो आदमी भी रिस्पेक्ट की खातिर मौला के साथ गांव के बाहर तक छोड़ने आया। बातें करते करते जब नजदीक आए तो पीछे पीछे एक भिखारी चला आता था। मौला खड़े रहे, जब वो आदमी जाने लगा, सलाम वगैरह हो गई, तो मौला ने उस आदमी की तरफ देखा, भिखारी की तरफ। तो मौला को कहते हैं, क्या तुम अली हो? मौला फरमाया, हाँ मैं अली हूँ। घुटने के ऊपर बैठ गया, आजजी पूर्वक हाथ करके कहता है, या अली, मैंने आज पहली दफा तुम्हें देखा है। मैंने सुना है कि तेरे से कोई मांगे तो तू उसको मना नहीं करता। फरमाया, हाँ सच्चे, मेरे से कोई मांगता है मैं मना नहीं करता। कहते, या अली, अल्लाह की कसम, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, मुझे रोटी चाहिए। वो जो आदमी जाने वाला था वो भी ठहर गया। आपने कंबर को फरमाया है, कंबर इसको खाना खिलाओ। अभी कंबर हैरान, मौला तो फिर उस आदमी के साथ जो उनके साथ आया था बातों में पड़ गए। ये भिखारी गया कंबर के पास, कंबर घबरा गया, क्योंकि 1 महीने का खाना उसने बहुत अच्छी तरह से पैक करके बांधा हुआ था। रण में डेजर्ट के अंदर जब ये चलते हैं ऊंट, तो मिट्टी धूल बहुत उड़ती है। अब वो जमाने के अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं थी जैसी कि आज हैं, ये सेलोफिन के बैग हैं और डबले हैं। उसने अच्छी तरह से लपेट लपाट के अच्छी तरह से गठड़ी बांधी थी। जब मौला फरमाया कि इसको खाना खिलाओ, तो कंबर भाग गया कि या मौला, मैं खाना इसको कैसे दूं, खाना तो मैंने गठड़ी में अच्छी तरह से पैक करके रखा है। फरमाया, कंबल गठड़ी दे दो, 1 महीने का खाना दोनों का उसके अंदर। और मौला कहते हैं, गठड़ी दे दो, तो कंबल के तो हांजे जगड़ गए। गुजराती में कहते ना, मतलब ये हम उसको उर्दू में कहेंगे, उसके हाथों के तोते उड़ गए। थोड़ी देर तो चुप रहा, समझ ना आई। नजदीक आके डरते डरते कहते, खुदावन एक बात कहूँ, क्या है? कहते, या मौला, वो मैंने जो गठड़ी है एक ऊंट के ऊपर अंदर बांध के रखी है, अब मैं ऊंट वो गठड़ी को लेने जाऊंगा तो ऊंट को खोलना पड़ेगा। ऐसा है तो ऊंट के साथ दे दो। तो कहते, या मौला, मगर ऊंट कैसे दूं, सारी कतार में ऊंट बांधे हुए हैं। मौला ने उसके हाथ से ऊंटों की जो डोरी थी, मेन ऊंट की डोरी, पकड़ के भिखारी के हाथ में रख दी, जाने जा। 40 ऊंट, एक एक ऊंट वो जमाने के अंदर कैडिलाक की गाड़ी से भी ज्यादा कीमती था। किसी के पास 40 कैडिलाक होवे या 40 उसके पास मर्सिडीज होवे, आप उसको क्या समझो, कितना मालदार समझो, कि 40 रोल्स रॉयस होवे, इससे भी ज्यादा। पहले तो वो भिखारी समझा कि अली मेरे से मजाक करते हैं, जोक करते हैं। मौला फरमाया, मैं अली हूँ, मैंने तुझे दिया, जाओ। कमर तो हाथ बांध के खड़ा रहा, 40 ऊंट, उसके ऊपर सामान और खाना पीना, 1 रोटी मांगी और 40 ऊंट दे दिए मौला ने उसको। मौला ऐसा दिल दरिया है, ऐसा दिल दरिया। साहिब तेरा एक करम जे हो, शाह फजल जे हो, हम बंदो तो सारी मैया करो
छूटिए याली तू ही जो दाता रक्षा मेरा करो मोरा साईया अली तेरे आधार जो मांगोगे वो देता है। मांगने की रीत चाहिए, मांगने का तरीका सीख लो। हम बहुत दफा कोई हमें चीज होती है तो हम मौला को हुक्म करते हैं, या मौला एक तस्बीह हमने निकाली, इस तरह निकाली कि जाने मौला क्यों हम पैसे देते हो हमें, या मौला ये मेरा फलाना काम कर दे। अरे तुम मौला को ऑर्डर दे रहे हो, हुक्म करना और चीज है, आजजी करना और चीज है। आजजी करो, विनती करो, जैसे एक भिखारी भीख मांगता है इस तरह से मांगो, या मौला मैं गुनहगार हूं, इस गुनाह की वजह से मुझे तेरे पास मांगने में शर्म आती है, मेरा मुंह नहीं उठता, लेकिन खुदावंद क्या करूं, तेरे बगैर मेरा कोई नहीं, मैं कहां जाऊं। ऐ मौला तू बता भला, मैं तेरे पास ना आऊं तो किधर जाऊं। आप इस तरह मौला के सामने बातें करो कि वो कुर्सी पे बैठा है और आप उसके सामने घुटने वाल के टेक के बैठे हो और भीख मांग रहे हो। ऐसा आमने सामने बैठ के तुझे छोड़ी तुझे द्वारे कहां जावे मेरे दिल में बैठा है, गुनहगार हूं, लेकिन तुझे छोड़ के मैं जाऊंगी किधर। आपने कभी इस तरह से आजजी की? रुदन करो, पीरसन कबीर दिन से आजजी करना सीखो, तीस अदर दिन से सीखो। हे सिरसो हमारा याली तेरे पांव धरे या सिरसो हमारे मौला, मेरा सिर तेरे पांव में पड़ा है, कहां जाऊं। तू मेरी मुश्किल नहीं दूर करेगा तो मुझे और कौन है। आप जो कभी उस इमाम जमान को हाजर नाजर समझ के अपनी मुश्किलें उसके सामने आजजी से रखो। दिनदार वो तो बहुत सखी दिल दरिया है, छोटी चीज मांगोगे रोटी मांगोगे तो वो तो ऊंटों की कतार देने वाला है। हाजी बीबी का केस खत्म हुआ, लगभग 2.5-3 बरस चला। हाजी बीबी इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की कजिन बहन थी, चाचे की लड़की थी, मगर इस नाशरियों ने जो थोड़ा टाइम पहले अपने मजहब से निकल गए थे उन्होंने इसको इंस्टिगेट किया और इसको और इसके हस्बैंड को मुचल शाह को खुद पैसे दिला के तैयार किया कि तुम इमाम के सामने हाईकोर्ट में केस करो। केस ये था कि तेरा दादा और मेरा दादा एक है। हाजी बीबी केस करती है कि तेरा दादा और मेरा दादा एक है, यानी हसन अली शाह मां बाप।
जब वो ईरान से इधर आए तो हिंदुस्तान की जो उसके मुरीद थे उन्होंने हसन अली शाह माँ बाप को लाखों करोड़ों रुपए की प्रेजेंट्स दिए, उन्होंने माल मिलकत दी, दर महीने उसको सालियाना के तौर पे देते थे, उसके अंदर मेरा भी हक है। उसका मतलब यह था कि ये जमात खानों के अंदर जो दसवंद और कारसाजी और मेहमानियां और नांदी और जो कुछ भी होता है ये मेरे दादा को मिलता है, दादा की वजह से मेरे चाचा को यानी तेरे बाप को मिला, और अब उसके अंदर तेरा भी हक है मेरा भी हक है। केस तो खैर वो हार गई, हाजी बीबी का केस मशहूर है, और जो जवान बच्चे अपने मजहब की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं उनको मैं कहूंगा कि हाजी बीबी का केस जरूर पढ़ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज। हाजी बीबी के केस के अंदर हाई कोर्ट के बॉम्बे के हाई कोर्ट में अपने मजहब की तमाम क्रियाकर्म की गई, घटपाट के ठाम जमात खाने से कोर्ट में लाए गए, घटपाट के थाम के अलावा ये पाठ जमात खाने से लाए गए, कोर्ट के अंदर जमात खाना का एक सैंपल बना के मुखी कामड़िया बैठे और अपने जमात खाने की तमाम रीत रस्म रिवाज कोर्ट के अंदर दिखाई गई। जज ने सब कुछ देखा, सामने पार्टी वालों ने देखा, उनके वकीलों ने देखा, प्रेस वालों ने देखा, रिपोर्टरों ने देखा, लोगों ने देखा, लंबा चौड़ा केस है उसके अंदर ये सब जो कुछ भी हम करते हैं ना, फिर इसकी समझ भी दी गई कि ये थार सुपरा जो पड़ा हुआ है इसका मतलब क्या, ये जो फ्रूट और खाने पीने की चीजें हैं ये इसका मतलब क्या, ये जो सुगरीत होती है इसका मतलब क्या, ये घटपाट जो होता है इसका मतलब क्या, अपने मजहब की सारी क्रिया कोर्ट के अंदर की गई। केस हार गई, इसलिए हार गई कि अपनी जमात ने कहा कि हम जो कुछ देते हैं वो नूर को देते हैं, हसन अली शाह माँ बाप को इसलिए दिया कि हसन अली शाह माँ बाप हमारे इमाम थे, अली शाह माँ बाप को इसलिए देते थे कि वो हमारे इमाम थे, आज हम सुल्तान मोहम्मद शाह को इसलिए देते हैं कि ये हमारा इमाम है। और फिर इमाम की डेफिनेशन बताई गई कि इमाम यानी क्या, इमाम यानी अल्लाह का नूर। उस हाजी बीबी के केस के अंदर जो जबानियां हैं, क्वेश्चन और आंसर है, और फिर उसके सामने काउंटर क्वेश्चन हैं, वो पढ़ने जैसे हैं। केस हार गई, हजर इमाम की साइड में लगभग 5-1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, 2.5-3 बरस केस चला। अभी जब वो केस हार गई तो सारा खर्चा साहब की तरफ का भी उसके ऊपर पड़ा और उसका खुद का भी खर्चा बहुत हो गया, जब खर्चा साहब की तरफ से भी पड़ गया उसके ऊपर तो कोर्ट में उस दिन तो नहीं आई थी। 8 दिन तक उसको ऐसा शौक लगा कि हाजी बीबी बाहर ना निकली, फिर एक दिन मौला के बंगले वाड़ी के अंदर जाके पछेड़ी गले में डाल के मौला के पांव पे गिर पड़ी, कहती है आखिर तू मेरा भाई है, मुझको माफ कर दे, मैंने बहुत भूल की, अब ये तेरा खर्चा पड़ा है, मेरी सारी माल मिलकत बिक जावे, मैं भी बिक जाऊं तो भी ये खर्चा मैं कहां से पूरी कर सकूंगी, और मेरे पास तो अब खाने को भी नहीं है। बहुत रोई मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह, दरिया दिल, मैंने अली की बात सुनाई थी ना, हाजी कामड़िया खड़े थे, फरमान किया हाजी कामड़िया मेहता दिल सुखराम को कहो, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के बाप दादा के टाइम से एक ट्रेजरर अकाउंटेंट मेहता था, उसका नाम था दिल सुखराम, वो जब गुजर गया तो उसके लड़के रेवा शंकर को मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने रखा, आज भी वो इमाम की नौकरी करते हैं, खुद गुजर गए हैं, 3 पीढ़ियां हुई। दिल सुखराम को बोलो हाजी बीबी को जब तक ये जिए 500 रुपया हर महीने इसको पहुंचा होगा, हाजी बीबी को कहा जब मैंने तुमको सारा खर्चा माफ कर दिया, कमड़िया को फरमान किया
वकील को हमारी तरफ से ऑर्डर दो कि ये खर्चे के ऊपर कोई भी स्टेप ना ले रहे, खर्चा माफ कर दिया तो ठीक, जब तक जिए 500 रुपया दर महीने उसको मिलता रहे। ये ऐसा सखी है, दुनिया के हिसाब से भी सखी है। मौलाना इमाम जैनुल आबिदीन बैठे हुए थे, एक कवि आया। जब कवि मौला के मिलने के लिए अंदर कोठड़ी में गया तो बस उसकी जो उम्मीदें थी सब पानी हो गई। उसने तो समझा था कि मौला तो बड़ी शान शौकत से रहता होगा। मौला अंदर गए, एक चटाई के ऊपर बैठे हुए थे, बाकी तो धूल मिट्टी थी, घर में कुछ ना था। सलाम करके बैठ गया। मौला फरमाया, क्या बात है, कैसे हो, कैसे आना हुआ? कहते, या मौला मैं कुछ उम्मीद लेके आया था। फरमाया, बोलो क्या है? कहते, मैं कुछ आपके वखान में मैंने कविता लिखी है, पोइट्री लिखी है, इसको अरबी जबान में कसीदा कहते हैं। राजा महाराजाओं को, बड़े लोगों की वखान में प्रेज के अंदर जो पोइट्री होती है उसको अरबिक में कसीदा कहते हैं। कहते, सरकार में कसीदा लेके आया। फरमाया, बोलो। उसने कसीदा पढ़ा। मौला उठे, अंदर गए बाजू के रूम में, एक थैली लेके आए, चांदी के दिरहम से भरी हुई थी, 1000 दिरहम चांदी के। उसको फरमाया, ये तुम्हें हम बख्शिश देते हैं। बड़ा हैरान हुआ, उसने इतनी आशा नहीं रखी थी। वो जमाने के अंदर 1000 दिरहम बहुत बड़ी चीज थी। कहता, या मौला मेरा एक और कसीदा है। फरमाया, और पढ़ो। फिर पढ़ा मौला, फिर अंदर गए, एक दूसरी थैली लेके आए, 1000 पॉइंट और दिए चांदी के। तो बहुत खुश हुआ, सारी जिंदगी बैठ के खा सके। कि भैया मौला एक और पढ़ो। फरमाया, पढ़ो। तीसरा पढ़ा, अंदर जाके एक और थैली लेके आए। अब ये इतना वजन था कि वो उठा नहीं सकता था। मौला कहते हैं हंस के कि तुम कयामत तक हर रोज एक कसीदा पढ़ते रहो, अमा हम कयामत तक तुमको हर रोज 1000 सिक्कों की थैली देते रहेंगे। मौला का जो घर है दुनियावी के दीनी तरीके से, वो नूर का घर है। वो रूहानी हिसाब से भी नूर है, दुनिया के अंदर जाहिरी हिसाब से भी नूर है। उसका बदन भी पाक और पवित्र है। उसका बदन भी ऐसा है कि दुनिया के अंदर कोई बदन इस जैसा नहीं। हम हजरत इमाम के बदन की पूजा नहीं करते, हम तो नूर परस्त हैं, हजरत इमाम के नूर को मानते हैं। और वही नूर अल्लाह ताला की जात पाक है, उसी को हम अल्लाह मानते हैं कि जो नूर है। और अल्लाह खुद फरमाया कि मैं नूर हूँ, खुदा का कोई बदन नहीं, खुदा का कोई शरीर नहीं, खुदा कोई चीज जैसा नहीं। कोई भी चीज हम खुदा के साथ उसकी एग्जाम्पल नहीं दे सकते। खुदा पाक सुबहान है, वादहू ला शरीक ला है। लेकिन किस बदन के अंदर वो अल्लाह का नूर है? जैसे कि नबी और इमाम होते हैं, वो बदन भी पाक और पवित्र होते हैं। इसके लिए हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उसको प्यार करते हैं। हम जाहिर भी प्यार करते हैं, बातूनी भी प्यार करते हैं। हम जाहिर भी उसका हुक्म मानते हैं, हम बातूनी भी हुक्म मानते हैं। हमारे मजहब के अंदर दोनों चीजें हैं, जाहिर भी है, बातून भी है। एक बात जरूर है कि हम जाहिर को थोड़ा मानते हैं, बातून के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाते हैं। अगर इमाम जाहिर में एक दिन आता है, दो दिन आता है, कभी आके बैठता है तो 1 घंटा बैठ के, 2 घंटे बैठ के चला जाएगा, ये जाहिर हो गया। बातून के अंदर तो 24 घंटे हमारे पास है, वो बातून के अंदर कभी दूर होता ही नहीं। वही चीज हमारे इस्माइली मजहब का एसेंस है कि हम अपने हजरत इमाम को भले हम जाहिर में देखना चाहते हैं, हम उसका जाहिरी दीदार भी जो नूरानी दीदार है हम उसको करके बहुत खुश होते हैं, लेकिन बातूनी दीदार उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी बहुत से दुनिया के अंदर हमारे मोमन भाई हैं, लाखों करोड़ों इस्माइली ऐसे हैं दीनदारों के सारी जिंदगी कभी उनको हजरत इमाम का जाहिर दीदार नहीं होता। सारी जिंदगी की बात क्या करूं, 500-500 बरस तक, 20-20, 25-25 जनरेशन तक उन्होंने कभी इमाम का जाहिर दीदार नहीं किया। रशिया में, मिडल ईस्ट के अंदर और भी जगहों के अंदर, जैसे कि चित्राल या हमजा या सिंकियांग,
या इसी तरह से जो मंगोलिया है वहाँ ऐसे करोड़ों इस्माइली पड़े हैं कि जिनके बाप दादाओं ने भी जाहिर में सारी जिंदगी जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन 500-500 साल हुए उन्होंने कभी इस मौला को जाहिर में नहीं देखा, लेकिन वो चुस्त और पक्के इस्माइली है क्योंकि वो बातूनी दीदार करते हैं। जाहिरी दीदार भी ठीक है, हमारे लिए जरूरी है, हम खुश नसीब हैं कि जाहिरी दीदार हो रहे, ये हमारी इबादत को ज्यादा करता है, जाहिरी इबादत से हमारा ईमान जो है वो ज्यादा मजबूत भी होता है, लेकिन इससे ज्यादा मेहनत बातूनी दीदार की करो। ये जुबली का बरस है, अगर ईमान को इमामत की गादी पे बैठे हुए 25 बरस हुए, इस जुबली बरस के अंदर आप गए 25 बरस का अपनी जात का स्टॉक लो कि गए 25 बरस के अंदर मैंने बराबर दसवंध दी, गए 25 बरस के अंदर मैंने बराबर दुआ पढ़ी, गए 25 बरस के अंदर मेरी जमात खाने की हाजिरी बराबर रही, गए 25 बरस के अंदर एक अच्छे इस्माइली रूहानी बच्चे के तौर पे मैंने मौलाना हजरत इमाम का हर हुक्म माना। आप अपना खुद का स्टॉक लो, आप अपना चोपड़ा देखो अंदर, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी खामी है या नहीं। अगर खामी है तो उसको ये 25वें बरस जुबली बरस में उसको सुधार लो, अगर कोई भूल रह गई है तो अब उसको ठीक कर लो। बैलेंस शीट बनाने से पहले हम चोपड़े को देख लेते हैं और कुछ भूल होती है तो एडजस्ट कर लेते हैं डेबिट पे, और क्रेडिट को ठीक कर लो। आज से मैं हर रोज जमा खाने जाऊंगा, आज से मैं बराबर दसवंध दूंगा, आज से मैं बराबर इबादत करूंगा, ये हमारे मजहब की एक आला दर्जे की हकीकत है। दीनदारों, मौलाना हजर इमाम को जाहिर के अंदर फंड इकट्ठा करके आपने 50 लाख किए कि 1 करोड़ डॉलर किए, कभी आपने उसकी सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके मौला के पांव में रख दी तो कोई सी बड़ी बड़ाई थी? मौला को इन चीजों से कोई वास्ता नहीं, वो तो इनको ठोकर भी नहीं लगाता। असल हकीकत तो ये है कि हम मौलाना हजर इमाम के रूहानी बच्चे हैं, तो हम उसको रूहानी तोहफा दे रहे हैं। हजर इमाम फरमाया मुझे मटेरियल प्रेजेंस की जरूरत नहीं, रूहानी तोहफे ये हैं कि हमारे दिल पाक हों, ईमान बढ़ जाए, दसवंध की खामी है तो ठीक हो जाए, दुआ की खामी है तो ठीक हो जाए, जमात खाने की हाजिरी की खामी तो ठीक हो जाए, किसी के लिए हमारे दिल में मैल है हसद है तो वो निकल जाना चाहिए, हम किसी को बुरा समझते हैं तो वो हमारे मन की बुराई है वो ठीक हो जानी चाहिए, हम किसी को दगा फरेब न करें, शांति वाला सुख वाला नूरानी रूहानी जीवन गुजारे, ये आज हजरत इमाम की सिल्वर जुबली का तोहफा है। जिस तरह वो हमको बख्शीश देता है कि गले में मोतियों का हार है हमको देता है, हमारी उस मौला के हुजूर में आजिज़ी अर्ज़ी है हम इबादत करें, नेक बने, अच्छे बने, फरमान बरदार बने, एक दूसरे का प्यार मोहब्बत रखें कि मौला हमको जब भी देखे खुश होवे, उसको राजा होवे यानी राजी होवे हमारे ऊपर कि हम उसके रूहानी बच्चे बनने के लायक हैं। दार एस सलाम के अंदर हमारा नेशनल चेयरमैन जाफरी तेजपर वापस आया, जमात खाने के अंदर उसने पैगाम सुनाया कि किस तरह हजर इमाम ने सिल्वर जुबली डिनर जब दिया और ये लोग उधर थे तो इमाम ने जो लेक्चर दिया उसमें हजर इमाम अपने लीडरों को कहते हैं, आई होप दैट एज योर इमाम I have been justified to pass 25 years as your imam. मुझे आशा है कि गए 25 बरस में इमाम तरीके की मैंने अपनी जोखमदारी बराबर बजाई है। कई लोग रो पड़े थे ये शब्द सुन के। अगर इमाम जो हमारा मालिक है वो कभी हमको ये कहता है तो हमको सिखाने के लिए कहता है कि मैं 25 बरस तक तुम्हारा इमाम रहा, मुझे आशा है कि मैंने अपनी 25 बरस इमाम तरीके की फर्ज पूरी की है। अपने दिल में इस बात को समझो। हम आज मौला के पास जाके अर्ज करें कि खुदावन तू तो मालिक रहम रहीमी है, तू तो पाक है, पवित्र जात है, गुनाह से दूर है, इनोसेंट है, इमैक्यूलेट है, हम गुनहगार हैं, हम गए 25 बरस तेरे मुरीद तरीके 100% लायक नहीं रहे या मौला, लेकिन प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद
हम अच्छे इस्माइली बनेंगे, ये वो तोहफा है जो इमाम हमसे मांगता है, और कभी ये तोहफा हमने मौला को दिया तो वो बहुत खुश होएगा। सामी के गले में हार है, हीरा मानिक जड़िया, ये हीरा मानिक इसकी बख्शिशें और रहमतें हैं, जिसको भावे ताको देता है साहिब है दिल दरिया। हे जी पीरा सदर दीन बोलिया, कोई मन अपनो समझावे, कपड़ा धोवे सो सलामत रहे, मौला आपके ईमान में वधारा करे, आपकी जान माल में बरकत देवे, आपकी आल औलाद में बरकत देवे, मौला आपको सेहत और तंदुरुस्ती में बरकत देवे, मौला आपकी इज्जत आबरू ज्यादा करे, जमातों कुनबों में सुख शांति मोहब्बत इत्तेफाक देवे, मौला दीन दुनिया की नियामतें देवे, मौला आपकी हर मुश्किल दफे करे, हर बला दूर, आपकी हर दुआ कबूल करे, मौला हमेशा आपके ऊपर राजी रहे, जाहिर में बातुन में अपनी नवाजिशें रहमतें देवे, और मौला आपकी जहर बातन दीदार नसीब करो है।